तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि कैसे हम लोग क्रिकेट खेल के रिसॉर्ट गए हैं। रिसॉर्ट में जाके बहुत ज़्यादा मजे किए, हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता किया है ना, आपको दिखाए थोड़े बहुत राइड्स, बट दोस्तों वो तो खाली ट्रेलर था, पिक्चर अभी आना मेरे बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों ये व्लॉग में आप बने रहना, आपको बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले। तो चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नाश्ता करके आ जाते हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल में, एंड यहाँ पे हम लोग प्लानिंग करते हैं यार कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। पानी गाइस इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि यार पानी के अंदर जाने का मन नहीं करता है। एंड देखो यार यहाँ पे राहुल सर को, नौशाद सर ने यहाँ पे पानी के अंदर गिरा दिया है, पूरा ज़्यादा गीला कर चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद ना यहाँ पे आप देखोगे कि यार सब लोग बाहर आ रहे थे क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पानी के अंदर जाने की। बट यार सच्ची में लिटरली पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था दोस्तों। मैं अभी आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे नौशाद सर तो पहले यहाँ पे फुल मस्ती में आ चुके हैं, यहाँ पे ना सबके बार पानी उड़ाने लग गए, उनको ठंड यहाँ पे नहीं लग रही थी, पता नहीं जाके लेट चुके हैं पानी के अंदर, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। फिर ना यहाँ पे आप देखोगे यार हम लोग का प्लान था ना, ये जो बड़ा वाला जो हॉट एयर बलून था ना, इसके अंदर हम लोग को जाना था एंड इसके अंदर जाके मजे करने थे। बट यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेव पूल में आते हैं एंड देख सकते हो आप मुझे यहाँ पे, मैं वेव पूल में हूँ एंड बाकी जितने सर्स थे वो सब आगे जा चुके हैं वहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं तो अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर गया ना, तो यार सागर एंड बाकी जितने भी टीचर्स थे ना यार हम लोग के ऊपर पानी उड़ाने लगे। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं, गौरव सर एंड जो दीपक थे ना, तो हम लोग ज़्यादा राइड के अंदर नहीं जाने वाले थे क्योंकि यार मेरा फर्स्ट टाइम था एंड दीपक का भी फर्स्ट टाइम था, एंड जो गौरव सर थे ना उनको थोड़ा डर लगता है, तो इनकी वजह से ना हम लोग ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जा रहे थे। हम लोग बाहर बाहर से थोड़ा सा इन्जॉयमेंट कर रहे थे एंड यहाँ पे सब बाकी जितने सर थे, नौशाद सर, राहुल सर, संजीव सर एंड सागर, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्जॉय कर रहे थे एंड साथ ही साथ अभिषेक सर भी। तो यार यहाँ पे ना वो लोग तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, पानी के अंदर तक चले गए थे, पर हम लोग तो नहीं आ रहे थे। एंड गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो यार कि कैसे सब लोग ना यहाँ पे अच्छा खासा इंजॉयमेंट कर रहे हैं यार, कि एंड बच्चे लोग तो देख सकते हो दोस्तों एकदम आंखें तक पानी में जाके यार मजे कर रहे हैं। तो दोस्तों यार देखो यहाँ पे मैं भी हूँ यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। एंड इसके बाद ना हमारा प्लान था ना कि यार कहीं और जाने का, पर उससे पहले यहाँ पे वेव्स चालू हो जाते हैं एंड वेव्स के अंदर हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत यार मैं शूट भी कर रहा हूँ क्योंकि यार कैमरे के अंदर डर लग रहा था कि कैमरे के अंदर पानी ना चले जाए। एंड यहाँ पे सागर पानी के अंदर पानी उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। फिर यहाँ से हम लोग ना छोटे मोटे राइड्स में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कौन आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे संजीव सर आते हैं एंड यार शुभारंभ करते हैं यहाँ पे एंड पानी उड़ा देते हैं कैमरे के ऊपर। उसके बाद देखते हैं यार ये कौन आ रहा है एंड यहाँ पे शायद नौशाद सर है, हाँ नहीं सागर है, ये सागर भी आ चुका है कैमरे के ऊपर पानी उड़ा चुका है, मुझे यहाँ पूरा गीला कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कौन आता है एंड यहाँ पे आपके राहुल सर भी दोस्तों आ चुके हैं एंड देखो यार ये लोग बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हैं। लास्ट में मेरे हिसाब से अभिषेक सर आ रहे हैं, चलो देखते हैं यार, अभिषेक सर भी यहाँ पे आ चुके हैं। अभिषेक सर तो उठ ही नहीं पा रहे थे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको मजा आया ये राइड देख के। फिर यार यहाँ से ना हम लोग ना एक बहुत बड़े ब्लैक होल पर जाने वाले थे एंड देखो यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है। यहाँ से ना सबसे पहले यार नौशाद सर जा चु यहाँ से नौशाद सर जा रहे हैं एंड दोस्तों आप देखोगे ना कि ये ब्लैक होल कितना डेंजर है यार, कि देख के ही डर लग रहा है एंड देखते यार ये पहुँचते कि नहीं पहुँचते। यहाँ से दिखता है हम लोगों को कि नौशाद सर पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए एंड यहाँ से पहुँच चुके थे ना, अभी राहुल सर की बारी थी तो राहुल सर ना यहाँ पे जा रहे थे एंड देख सकते हो यार कि नौशाद सर पहुँच चुके हैं एंड राहुल सर निकल चुके हैं यहाँ पे एंड दोस्तों यार बहुत सारा आवाज़ कर रहे थे, राहुल सर डर लग रहा था उनको भी। तो उनके जाने के बाद ना यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड दोस्तों मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ का इन्जॉयमेंट करो। गाइस भाई मज़ा आ चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया यहाँ पे। एंड यहाँ से ना अभी हम लोग का प्लान था ना कि रेन डांस में जाने का, रेन डांस में जाकर आग लगा देने का, तो चलो यार पानी के अंदर जाके आग लगाते हैं, आप भी देख। ड्यू टू द कॉपीराइट इशू दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाएगा दोस्तों यार, आप समझ ही सकते हो। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मेरे वॉइस ओवर का इन्जॉयमेंट लो एंड देख सकते हो यार कि यहाँ पे सबके सब सर कितना ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, संजीव सर यहाँ पे, गौरव सर यहाँ पे, नौशाद सर, अभिषेक सर एंड राहुल सर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो अभी आप दूसरे गाने का इन्जॉयमेंट करो। तो दोस्तों यार रेन डांस करने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बाल्टी में, बाल्टी के ऊपर से जो पानी गिरता है मुझे इसका नाम नहीं पता दोस्तों सर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया पानी गिरने के वजह से यार, बहुत अच्छा वाला यहाँ पे बोलते हैं ना प्रेशर लगा हमारे बॉडी पे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर यार हमारा प्लान था ना यहाँ से सीधा जाने के लिए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि यार थोड़े बहुत राइड्स में हम लोग बैठ चुके थे, अभी सीधे चलते नाश्ता किया। और एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ना हम लोग को क्या मिल रहा था दोस्तों, आप देख ही सकते हो यार कि यहाँ पे ना पाव भाजी भी मिल रहा था, यहाँ पे उत्तप्पा रॉबिन उत्तप्पा भी यहाँ पे मिल रहा था, तो जोक सब बाट गए, यहाँ पे उत्तप्पम मिल रहा था एंड यहाँ पे नूडल्स एंड राइस मिल रहा था। तो चलो यार फटाफट लेते हैं, देखो सकते हो यार मैं दो दो प्लेट लेके खा रहा हूँ, मैं एक से नहीं, मैं यहाँ पे दो दो प्लेट से यार लेके जा रहा हूँ। एंड दोस्तों मैं बता दूँ कि दूसरा प्लेट यहाँ पे सागर का है, जो मेरा दोस्त है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यार कि हम लोग नाश्ता पानी करके आ चुके हैं यहाँ पे गोला खाने के लिए। एंड यार देखो नौशाद सर आप लोग को भी ऑफर कर रहे हैं कि यार आप लोग भी आओ और गोला खाओ।
और यहाँ पे रोहन कॉटन कैंडी, सागर, दीपक, गौरव सर हमारे पास कॉटन कैंडी एंजॉय करते हुए। और ये दिस इज नॉट कॉटन कैंडी, बुड्ढी का वाल। अरे वाह, ये जाएगा ब्लॉग, ये ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ से गोला वोला खा के हमारा हो चुका है ना, यहाँ पे ना अभी हम लोग का प्लान था ना कि जो आपको राइड दिख रहा है ना इसके अंदर बैठने का, तो चलो यार इसका फटाफट ट्यूब लेते हैं, सीधा राइड में जाके बैठते हैं। देख सकते हो यार राहुल सर है ना, अभिषेक सर यहाँ पे वो ट्यूब लेके आ चुके हैं फटाफट ना। सबसे पहले शुभारंभ ये दोनों ही करने वाले हैं, संजीव सर यहाँ पे रेडी है पहले ही। तो दोस्तों आपको ये राइड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये राइड में सबके सब जाने वाले दो दो का पेयर के साथ। तो फटाफट यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि कौन किसके साथ जाने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि राहुल सर ने अपना ट्यूब ले चुके हैं, यहाँ पे वो अपने पार्टनर सागर को लेके जा रहे थे शायद। फिर दोस्तों अभी यहाँ से आप सीधा देखोगे ना कि कैसे अंदर जाने वाले। एंड सबसे पहले यहाँ पे गौरव सर एंड अभिषेक सर दोनों साथ में, तो चलो यार ये लोग को जाने देते हैं। इसके बाद हमारी भी बारी आएगी तो हम लोग भी जाएंगे एंड जाके एंजॉयमेंट करेंगे। अभी लगेगा देखो, धक्का ही नहीं दे पा रहे अंकल, इतने भारी है दोनों। सबसे ऊपर माँ कसम, हाथ घुमा के घुमा के। नहीं है बढ़िया, वो कूल बनने का ट्राई कर रहा है। रनिंग रेस शुरू हो चुका है दोस्तों यहाँ पे, चलो देखते हैं कौन जीते। मैं यहाँ पे जूम आउट किया, संजीव सर यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे संजीव सर ने रिकॉर्ड तोड़ा, ये चलो जूम किया मैंने अभी, राहुल सर वर्सेस सागर, और ये मैंने जूम किया, देखते क्या होता है दोस्तों। सागर और कौन है, राहुल सर यहाँ पे। राहुल पहले चीटिंग करके आगे निकल चुका है एंड सागर बाद में है, तो चलो देखते कौन आगे तक आता है। एंड यहाँ पे फुल स्पीड में आ चुके और रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए एंड सागर तो पहले ही रुक गया। चलो अभी अभिषेक की बारी, सबसे वजनदीदा प्लेयर हमारा, चलो देखते क्या होता है। ओ अभिषेक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है फुल स्पीड में, और ये रिकॉर्ड तोड़ दे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइड वगैरह तो हो चुका है ना, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। लंच करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिलता है अचार, तो अचार तो हम लोग नहीं खाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग खाएंगे श्रीखंड। तो श्रीखंड यहाँ से लेते हैं यार, क्या श्रीखंड ना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था, तो फटाफट श्रीखंड लेते हैं, भर भर के लेंगे जाके खाएंगे। एंड यहाँ पे सबके सब सर लोग आ चुके एंड सबसे पहले ना यार सबके सब यहाँ पे खाना शुरू कर चुके हैं। यार मुझे बोलने भी नहीं दिए कि यार चलो एक बार पहले ब्लॉग में शूट कर लेता उसके बाद खाना खाना, पर यार सब लोग को इतना ज्यादा भूख लगा था कि सब लोग शुरू हो चुके थे खाने के लिए। खाने में आपको दिखाता हूँ यार, दो टाइप की सब्जी थी, पूरी थी, श्रीखंड था एंड ना खमन ढोकला था जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे साथ पापड़ थे। तो यार फटाफट खाते हैं एंड उसके बाद ना थोड़ा आराम करेंगे। एंड दोस्तों अभी हम लोग धूप में आ चुके हैं, धूप में आने के बाद ना थोड़ा सा यार धूप का ना सेकेंगे एंड उसके बाद ना यार और जाके आराम करने वाले, क्योंकि यार बहुत ज्यादा सब लोग थक चुके थे। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना तीन औसार सर, तो यहाँ पे तीन कुर्सियां लगा के यहाँ पे सो चुके हैं, उनको टेंशन नहीं है कि टीम मेंबर्स किधर है, वो कहाँ पे जाने वाले, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे आराम से बस एंजॉय कर रहे हैं यार। यहाँ पे ना अभी हम लोग का प्लान था कि मस्त यार गार्डन में जाएंगे, गार्डन में जाके ना हम लोग मस्त सोएंगे, सोने के बाद ना कम से कम आधा एक घंटा ना हिलेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि मस्त यार कपड़े वपड़े सूख जाएंगे, मस्त यार गरम गरम फील होगा। तो फटाफट यहाँ पे सब लोग सो चुके हैं, उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए आप जैसे कि देखोगे ना कि बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे एडवेंचर कर रहे थे, बाकी राहुल सर, सागर एंड बाकी और भी सर सब पहुंच चुके ऊपर, गौरव सर, अभिषेक सर। एंड उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं यार रेन डांस करने के लिए, बट यार इतना ज्यादा ठंड था ना यार मन ही नहीं कर रहा था रेन डांस करने का। नौशाद सर यहाँ पे कर रहे थे एंड बट यार वो संदीप सर को बोल रहे थे कि करने के लिए, संदीप सर यहाँ से भाग गए, बट यार नौशाद सर उनको उठा के पकड़ के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे संदीप सर को अंदर लेके जा चुके हैं, देखो अभी गीला करके ना डांस करेंगे। फिर
फिर दोस्तों वहाँ से संदीप सर तो भाग चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे छोटे मोटे राइड के अंदर बैठ चुके हैं, मैं एंड दीपक यहाँ पे बैठे हुए एंड चलो यार मुझे धक्का देते हैं, एंड सागर यहाँ पे शूट कर रहा था। तो बाय बाय दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग का सब इन्जॉयमेंट हो चुका था। यहाँ से हम लोग कपड़े वपड़े पहन लिए एंड रेडी हो चुके हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना बहुत सारे स्कूल के पिकनिक आए थे, तो वो लोग का यहाँ पे फोटोशूट्स वगैरह चल रहा था एंड कितना ज़्यादा भीड़ है यार आप देख सकते हो कि जिस टाइम पर हम लोग आए थे ना, तो वहाँ पर स्कूल का पिकनिक आया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर सबके सब रेडी हो चुके, आप देख सकते हो यार कि नौशाद सर यहाँ पे जूता पहन रहे हैं, बाकी सब लोग यहाँ पे रेडी हो चुके। तो दोस्तों यार फटाफट रेडी होएंगे एंड सीधा चलेंगे बाहर की ओर, सीधा निकलेंगे घर की ओर क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं। दोस्तों अभी हमारा पैकअप का टाइम हो चुका है एंड बाकी सबके सब आ रहा हूँ, यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे जा रही है एंड सबके सबकी हालत खराब हो चुका है एंड यहाँ पे आप काफी ज्यादा मजा आया एंड बहुत ज्यादा थक भी चुके। सागर कैसा लग रहा है? सबसे ज्यादा मैं थका हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा राइड में तू भी गया था। तो चलो दोस्तों डांस करके बहुत मजा आया। तो चलो दोस्तों बाहर चलते, बाहर चल के ना फटाफट गाड़ी में बैठते हैं, घर पे निकलते हैं यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। फाइनली अभी एग्जिट का टाइम आ चुका है दोस्तों, चलो बाहर चलते। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे यार बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बाय बाय रिसॉर्ट यार, बहुत ज़्यादा मजा आया। हम लोग को सागर आ गए हैं, बाकी और भी टीम मेंबर्स आगे जा चुके, तो फटाफट चलते हैं यहाँ से, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के ना जाके यार आराम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स आप जैसे कि देख ही सकते हो एंड यार ये रिसॉर्ट है ना पूरा पहाड़ के जस्ट बाजू में एंड सामने आपको मैं दिख जाऊँगा। तो चलो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, ये व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगा क्योंकि शाम हो चुकी है, फटाफट गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं दोस्तों। ये व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।